माँ बाप के एक आशा थे कि नौकरी लग गया, वो भी धूमिल हो जा रहा है, रो रहे हैं सब लोग, क्या किया जाए। हम लोग सर बहाली नियोजित बहाली हुई है, हम लोग सर क्या ना करा, हम लोग जनगणना कराते हैं सर, इलेक्शन कराते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, अनुशासन देते हैं, पीटी पेट कराते हैं, सारा काम सरकार हम सर नहीं, ये सरकार है, यहीं से सरकार चलती है, हम सरकार के पास आए हैं, सरकार से मांगने आए हैं। अभी हम जदयू दफ्तर के बाहर खड़े हैं और जदयू दफ्तर के बाहर जो ठीक देख रहे होंगे सैकड़ों की तादाद में जो शारीरिक शिक्षक है वो लोग धरने पर बैठे हुए हैं और एक पोस्टर भी पीछे लगाए हुए हैं कि पोस्टर लगाए हुए, पोस्टर में लिखा हुआ नीतीश कुमार जिंदाबाद, सभी नियोजित शिक्षकों को किए कल्याण, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक का वेतन मात्र 8,000 वाले के क्यों है नाराज, इस तरह में लगातार जो है लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं सर? हम लोग की मांगे है कि सरकार हम लोग को पूर्णकालिक करें, पुराने वाले जो सारी शिक्षा है उसके अनुसार हम लोग का भी समान काम समान वेतन करें। कितना भी वेतन? 8,000 रुपया मिलता है मात्र सर। 8,000 समय से मिलता है? 8,000 रुपया क्या सर? नहीं कुछ नहीं मिलता है सर, वो भी 2-3 महीना पे 3 महीना पे मिलता है सर, वो भी हम लोग धरना पर जिला में करते हैं डीओ के ऑफिस के पास तब मिलता है पैसा सर, वो भी 8,000 नहीं मिलता है सर। वो भी 8,000 मिलता है, उसके बाद? उसके बाद यहाँ को मशक्कत बहुत करने के बाद 8,000 मिलता है सर। और यहाँ तक नहीं सर कि हर जिला खेल चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो चाहे स्टेट लेवल का खेल, हर चीज़ में लोगों को पूर्णकालिक काम लिया जाता है सर, यहाँ तक स्कूल में 9 से 4 हम लोग को पूरा काम कराया जाता है सर, और वेतन के तौर पे 8,000 रुपया मिलता है सर। वेतन 8,000 रुपया मिलता है, उसके बाद भी समय पर भी वेतन नहीं मिलता? 8,000 रुपया आप लोग का वेतन मिलता है, वो भी समय पे नहीं मिलता? जी सर बिल्कुल समय पे नहीं मिलता है। बताइए 300 किलोमीटर यूपी सोनभद्र के बॉर्डर से आके औरंगाबाद ड्यूटी करते हैं सर, कैसे रूम रेंट होगा, कैसे गाड़ी भाड़ा, वहाँ से 20 किलोमीटर दूर स्कूल है, कैसे हम लोग करेंगे? माँ बाप के एक आशा थे कि नौकरी लग गया, वो भी धूमिल हो जा रहा है, रो रहे हैं सब लोग, क्या किया जाए। हम लोग कितने दिनों से योगदान दे रहे हैं? लगभग सर 2.5 साल हो गया, लगभग 2.5 साल पूरने वाला है हम लोग। काम ऐसे क्या होता है? चेतना से खेल का सारे काम के साथ चुनाव ड्यूटी करते हैं, जनगणना करते हैं, अभी राज्य स्तरीय टीम हो चाहे जिला स्तरीय खेल, सारे खेलों में हम लोग का पूर्ण रूप से उपयोग किया जाता है सर जी, हम लोग ड्यूटी हर जगह लगा हुआ है, कहीं ऐसा नहीं है जो उन लोगों को जो ड्यूटी मिले हम लोग को न मिले, हम लोगों को आगे रखा जाता है। अभी राज्य स्तरीय खेल में भी हम लोग की ड्यूटी लगी हुई थी, अभी जिले वाले भी खगड़िया किशनगंज हर जगह हम ही लोग को भेजा जा रहा है सर। अब पूरे दिन कहते हैं अंशकालिक, अंशकालिक क्या होता है, 9 से 4 ड्यूटी करने को अंशकालिक कहा जाएगा? पूरे 12 महीना ड्यूटी लेना, 9 से 4 ड्यूटी कर रहे हैं, सारा चीज हमें लोगों से लिया जा रहा है। हम लोग तो चुनाव ड्यूटी भी किया हूं सर, चुनाव करवा सकते हैं, चुनाव करवा सकते हैं। सरकार का जो खेलो इंडिया फिट इंडिया ऐसा महत्वाकांक्षी योजना है उसको हम लोगों के द्वारा पूरा करवाया जा रहा है। हम सरकार से भीख नहीं मांगते, हम सरकार से अपना अधिकार मांगते हैं और सरकार को देना पड़ेगा अधिकार, लड़ के लेंगे, छीन के लेंगे, जैसे लेना होगा ले। आए हैं जदयू दफ्तर के बाहर, शिक्षा मंत्री से सरकार है, शिक्षा मंत्री से जदयू दफ्तर नहीं, ये सरकार है, यहीं से सरकार चलती है, हम सरकार के पास आए हैं, सरकार से मांगने आए हैं। शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई है? बहुतों बार वो आश्वासन दिए हैं कि होगा, लेकिन सिर्फ आश्वासन भर ही रह जा रहा है, उसको धरातल पर ना ही मीडिया के सामने बोलते हैं एक बार भी, ना ही कहीं अपना बाइट देते हैं कि हम इन लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। एक बार पहले वो दे दें, हम लोग संतुष्ट होके चले जाएंगे यहाँ से। धरातल पे कब दिखेगा आप लोग का? शिक्षा मंत्री आप लोग की बात सुनते हैं लेकिन उस पर कुछ धरातल पे आने? सबसे पहली बात यह है सर कि हमारे जो है ये जो हम लोग का जो बिहार के जो मुख्यमंत्री जो है, हम लोग का अधिकारी जो है वहाँ तक हम लोग का सूचना तक नहीं पहुँचा था, तो आज हम मीडिया के माध्यम से और जितने भी यहाँ शरीर शिक्षा का निर्देशक चाहती हैं, हम लोग सर हम लोग किससे भीख नहीं मांगे सर, हम लोग पढ़े लिखे हैं सर, हम लोग सर बहाली नियोजित बहाली हुई है, हम लोग सर क्या ना करा, हम लोग जनगणना कराते हैं सर, इलेक्शन कराते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, अनुशासन देते हैं, पीटी पेट कराते हैं, सारा काम सरकार हम सर। अच्छा अभी आप लोग को 8,000 जो मिल रहा है तो समय पर मिल जा रहा है कि नहीं? नहीं 2 महीना 3 महीना सर। देखिए समय की आप बात कर रहे हैं, यहाँ 8-8 महीने तक वेतन नहीं मिलता है, कैसे आप लोग का गुजारा चलता है? सर आप स्वयं सोचिए कि हम लोग यहाँ किस तरीके से अपना भरण पोषण करते हैं, और जो व्यक्ति अन्य राज्यों से आया हो 8 महीने वेतन नहीं मिलता हो तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर अपनी सेवा देते हैं। और आप ये कह सकते हैं कि आप बताइए कितना हम लोग कर्ज लें, कर्ज देने वाला भी कितना कर्ज देगा आपको, उसके बाद डिमांड है आप तक पूर्व के शारीरिक शिक्षक को जो मिल रहा है वो हमको दिया जाए, 40 से 45 हज़ार रुपया पूर्व के शारीरिक शिक्षक को मिल रहा है, हमसे कम क्वालिफाइड शिक्षक, बिना एस्टेट दिए हुए आए हुए, बिना एस्टेट दिए हुए आए हुए हैं, सिर्फ इंटर के बाद बीपीएड करके आए हुए हैं, हम लोगों से उसके अलावे एस्टेट एग्जाम लिया, नियोजन इकाई द्वारा बहाली हुआ, और फिर भी हम लोगों को मात्र 8,000 दिया जा रहा है।
शारीरिक शिक्षा के लोग जो हैं धरने पर बैठे हुए हैं और जदयू दफ्तर के बाहर ये लोग बैठे हुए हैं। लोग का मांग है कि जो जो पहले जो शिक्षकों को जो मिल रहा है वेतन 40,000 वो भी हम लोग को वेतन दिया जाए और साथ ही साथ जो हम लोग को अभी जो 8,000 मिलता है वो 8,000 भी समय पे नहीं मिलता है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होती है। निज बासकोप के लिए पटना से विवेक रंजन।